Today, I'm gonna talk about the dark side of daily vlogging in Pakistan. वीडियो का डिस्क्लेमर यही है कि इस वीडियो में जितनी भी बातें होंगी वो मेरा अपना एक एनालिसिस होगा डेली व्लॉगिंग को लेके, एंड मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बनाता है और कौन अपनी फैमिलीज को अपने व्लॉग्स में लेके आता है। ये सिर्फ मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो अभी मैं आपके सामने रखूंगा। वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है कि आजकल हर कोई डेली व्लॉगिंग क्यों करता है, हम दूसरों की लाइफ को देखना इतना पसंद क्यों करते हैं, व्लॉग्स कितने फेक या रियल होते हैं, एंड लास्टली पाकिस्तान के कुछ टॉप क्रिएटर्स ने अपना कंटेंट अपलोड करना कम क्यों कर दिया। आज की इस वीडियो में हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे, सो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें। आपने देखा होगा कि आज से कुछ साल पहले जब YouTube का ट्रेंड पाकिस्तान में नया आया था तो बहुत सारे क्रिएटर्स हमारे सामने आए थे। कोई वाइंस बना रहा था, कोई गेमिंग कर रहा था, कोई फनी वीडियोस बना रहा था, व्लॉग, प्रैंक, इंफॉर्मेटिव एंड टेक वीडियोस। मतलब बताने का ये कि हर क्रिएटर अलग अलग कॉन्टेंट बना रहा था और एक स्पेसिफिक कैटेगरी में था। पाकिस्तान के कुछ क्रिएटर्स ने बहुत अच्छा कॉन्टेंट दिया, उनको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बॉर्डर क्रॉस भी बहुत ज्यादा प्यार, एप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट मिली। इरफान भाई, मुरू यूखानो एंड वासिफ भाई, ये चंद कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा क्वालिटी कंटेंट दिया और ऐसे व्लॉग्स बनाए जो वाकई में व्लॉग कहने के काबिल है। बट ये सब कुछ बदल जाता है साल 2022 के स्टार्ट से। व्लॉग्स का एक नया फॉर्मेट देखने को मिलता है जो कि था डेली व्लॉगिंग। इंडिया में बहुत सारे क्रिएटर डेली व्लॉगिंग कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में ये ट्रेंड 2021-22 से स्टार्ट हुआ। अपनी या किसी दूसरे की लाइफ को दिखाना या अपने थॉट्स या ओपिनियंस लोगों के सामने रखना, शेयर करना, इसे व्लॉग वीडियोस कहा जाता है। व्लॉग्स आजकल की यूथ के लिए एक बहुत गंदी एडिक्शन है, ये मैं नहीं, रिसर्चर्स कहते हैं। हम अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ को देखना पसंद करते हैं। मुसलसल किसी की लाइफ को देखना या उनकी लग्जरी चीजों को देखकर कहीं ना कहीं इंसान ये जरूर सोचता है कि यार काश ये चीज मेरे पास भी होती, एंड ऐसा होता है। नो डाउट ये चीज आपकी मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट करती है। आई थिंक जितने भी पाकिस्तानी क्रिएटर्स थे वो तकरीबन सबके सब व्लॉगिंग पे शिफ्ट होंगे। बेशक कोई गेमिंग कर रहा था वो भी आज व्लॉग्स बना रहा है, बेशक कोई फनी वीडियोस बनाता वो भी आज व्लॉग्स बना रहा है। व्हाई? मैं बताता हूँ। Because it's very very easy। हल्का सा कॉन्फिडेंस, क्लिप्स रिकॉर्ड, स्प्लिट कट एंड देन अपलोड। Done. Very easy, हाँ? Naughty. Until आप जुनेजी और मुरू जैसे व्लॉग्स नहीं बनाते क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग और एडिट में वक्त लगता है। दूसरी वजह है पैसा। अक्सर आप जब किसी बड़े व्लॉगर के व्लॉग्स में उनका लग्जरी लाइफस्टाइल देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये सारा पैसा यूट्यूब दे रहा है इनको। अब मैं यहाँ पे ये बहस नहीं करूंगा कि यूट्यूब इतना देता है या इतना नहीं देता, बिकॉज आई डोंट नो एग्जैक्टली कि कौन कितना कमा रहा है और मुझे ये जानना भी नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि आजकल जितने भी लोग यूट्यूब ज्वाइन करेंगे उनमें से 90% लोगों फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पैसा। ये वो क्रिएटर्स हैं जिनके हम व्लॉग्स देखते हैं, काफी फेमस हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई इन्हें ना जानता हो। पाकिस्तान की तकरीबन 75% ऑडियंस तो इन्हें देखती होगी, एक बहुत बड़ी ऑडियंस इनको फॉलो करती है और ये लोग न्यू आने वाले क्रिएटर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बने। अब ऑब्वियसली बात है कि जो बड़े क्रिएटर्स बनाएंगे उनको देख के छोटे क्रिएटर भी वही चीज बनाने की कोशिश करेंगे। बड़े क्रिएटर्स व्लॉगिंग पे शिफ्ट हो गए तो इसी वजह से आने वाले जितने भी क्रिएटर्स हैं वो भी व्लॉगिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। कुछ ब्लॉगर्स अपनी ऑडियंस के साथ इतना कंफर्टेबल फील करते हैं कि वो अपनी पूरी प्राइवेट लाइफ अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं, जीरो प्राइवेसी रह जाती है। इवन कुछ व्लॉगर्स तो अपनी फैमिलीज को भी दिखाते हैं, इस वजह से भी व्लॉगर्स को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है, जो कि व्लॉगर्स के लिए भी एक स्ट्रेस पॉइंट है जब लोग इनकी फैमिलीज को जज करते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, इसकी शादी इससे होनी चाहिए थी, ये प्यारा है, ये प्यारा नहीं है, लोग इस तरह के कॉमेंट पास करते हैं। बट आई थिंक लोगों की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसलिए क्योंकि तुम लोग बैठ के सिर्फ बातें कर रहे हो और वही लोग उन व्लॉग से हजारों लाखों कमा रहे हैं। सिंपल सी एग्जाम्पल है माज अफ्तर, जिसने डेली व्लॉगिंग कर करके अपना एक परफ्यूम ब्रांड, अपना एक रेस्टोरेंट ओपन किया और भी बहुत सारे ऐसे काम जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं कर सकते, वो सारे काम इस 20 या 25 साल के लड़के ने कर लिए। तो आई थिंक हमारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फलां ब्लॉगर अपनी फैमिली को दिखा के पैसे कमाता है, क्योंकि अगर व्लॉग बनाने वाला अपनी फैमिली को दिखाने में कंफर्टेबल है तो हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि भाई तुम अपनी फैमिली को मत दिखाओ, ये ना करो, वो ना करो, बिकॉज उसका कैमरा, उसका चैनल एंड उसकी मर्जी, वो जो मर्जी करे। अगर आपको इतना मसला है तो आप इनके व्लॉग्स ना देखा करें या आप इनको ब्लॉक कर दें, आपके सामने कभी इनका व्लॉग नहीं आएगा। तो इस तरह कमेंट पास करने से कुछ भी नहीं होगा जब तक वो खुद ना चाहे। लिटरली आपके एक अनसब्सक्राइब से या फिर आपके ब्लॉग से इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 80% व्लॉग्स फेक होते हैं,
Yes, बिल्कुल सही सुना, scripted. आपने देखा होगा कि व्लॉगर्स अपनी सिर्फ वही चीजें शेयर करते हैं जहाँ पे वो खुश होते हैं. हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी इंसान की जिंदगी में मसले मसाइल ना हो, लेकिन व्लॉगर्स की जिंदगी में आपने देखा होगा कि हमेशा वो खुश होते हैं, वो इंजॉय कर रहे होते हैं, वो अपनी सिर्फ हैप्पीनेस हमसे शेयर कर रहे होते हैं. व्लॉगर्स की जिंदगी में कितने ही मसले मसाइल हों, लेकिन उस उदासी को छुपा कर एक फेक स्माइल से व्लॉग स्टार्ट करना भी एक बड़ी बात होती है. व्लॉगर्स चीजों को रिकॉर्ड करने के एडिक्ट हो जाते हैं. वो जहाँ भी जाएंगे वो अपना कैमरा ओपन कर लेंगे. लाइक अगर किसी ने ऑफ कैमरा कोई लाइन बोल दी तो वो कैमरा ऑन करेंगे और कहेंगे यार प्लीज एक बार दोबारा से ये लाइन बोलना. कहीं ना कहीं ये चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं, जहां से वो चीज थोड़ा थोड़ा फेक लगना स्टार्ट हो जाती है. अक्सर व्लॉग्स प्री प्लान्ड होते हैं, जस्ट लाइक डक्की भाई के व्लॉग्स की तरह. आज हमने गाड़ी ली, आज हमने गाड़ी का डोर ओपन किया, आज हम गाड़ी में बैठ गए और आज हमने गाड़ी चलाई. जस्ट किडिंग. व्लॉग्स प्री प्लान्ड या फेक होते हैं ये बात मैं नहीं, बल्कि बहुत बड़े बड़े व्लॉगर्स जो व्लॉगिंग क्विट कर चुके हैं उन लोगों ने खुद बताया है. आपने अक्सर देखा होगा कि इरफान भाई, मुरू भाई और इन जैसे और भी बहुत सारे लोग जो हमेशा क्वालिटी कंटेंट देते थे, वो आजकल इतना कम कंटेंट क्यों अपलोड करते हैं. इसका वन लाइन आंसर ये है, द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स दे पुट इन देयर वीडियोस उतना इनको रिटर्न में नहीं मिल पाता. मेरे फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान ने एक दफा कहा था कि कहानियों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि सुनाने लोगों वाला को क्वालिटी नहीं क्वांटिटी देखनी है. ये बात सच है. क्वालिटी और क्वांटिटी का डिफरेंस भी बहुत कम लोग समझ पाते हैं. डेली व्लॉगर्स की वीडियोस में 24 घंटों में मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, बट ऐसे क्रिएटर्स जो कई दिन लगा के इतना क्वालिटी कंटेंट देते हैं उनको रिटर्न में उनका आधा भी नहीं मिल पाता. जब एक क्रिएटर अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स पुट करता है किसी चीज में और उसे वापस में उतना रिटर्न नहीं मिल पाता तो वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाता है. एंड लास्टली एल्गोरिथम बहुत मैटर करता है. फिर वो एल्गोरिथम चाहे इंस्टा की रील्स का हो या यूट्यूब के डेली व्लॉग्स या शॉर्ट वीडियोस का. तो आई थिंक एल्गोरिथम मैटर्स एंड बिग रिस्पेक्ट फॉर ऑल द क्रिएटर्स. जो कोई कुछ भी बना रहा है वो अपनी जगह अपनी मेहनत कर रहा है, उसे अपना काम अच्छा लग रहा है, तो आई थिंक हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि ये फलां बंदा ऐसा है फलां बंदा वैसा है. सो आई थिंक इस चीज को खत्म करना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए. बस आज की वीडियो के लिए इतना ही. उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत हुई. आपका एक लाइक या आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफी मोटिवेट करेगा. तो इंशाल्लाह मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. फेलिक्स को दीजिए इजाजत. ले चलू मार्स पे मैं जैसे इलोन मस्क जीत के आदि. कोशिश कर चैलेंज कैलेंडर मेरे में डेट नहीं फ्री. खेलो उसकी डोज कोई एक नहीं पी. बेसिक चीज मुझसे तो बनती नहीं सीधा. मैं वड़ूंगा बजे की घंटी नहीं तेरे में मेरे में फासे सफर क्या तजिया करे अवाम ये अंधी नहीं. ए फाकी गैंग फाकी गैंग हम जैसे बाकी तो वाकी नहीं. संगत की बात तो खाते हैं छाती पे फोकट में होना जज्बाती नहीं. हजम नहीं होगी ये बुजिया ना दाल. टिकटॉक के छक्कों से दुनिया बेजार. कीबोर्ड के मुझा है तीनों का वार. जहां से निकले ये वहीं दूंगा वार.